हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में। हेलो प्रीति। तो आज संडे है तो मैंने कोई ब्लॉग व्लॉग बनाया नहीं, तो शाम हो रही है तो सोचा कुछ बनाती हूँ। मुझे खास्ता बनाने का मन था बहुत दिन से, तो वही बनाऊँगी। तो शाम हो गए, अभी चलिए मैं बनाती हूँ और आप सबके साथ शेयर करूँगी कैसे बनाते हैं। चलिए किचन में। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने यहाँ पर सेटअप लगा के रखा है और मैं बनाने वाली हूँ कुछ स्पेशल, जो बिस्किट खा खा के तंग आ चुके हैं चाय के साथ। तो मैं बना रही हूँ खास्ता और इसके लिए मैंने ये मैदा लिया है और ये चीनी और ये दूध। मैं इस दूध में चीनी को डाल देती हूँ ताकि थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, और चीनी अपने हिसाब से। और ये थोड़ा सा गर्म दूध है और ये है थोड़ा सा नारियल, आप चाहो तो सौंफ भी डाल सकते हो। और ये सूजी है और ये घी है थोड़ा सा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसमें मैंने मैदा को चाल के लिए लिया है और इसमें मैं डाल दूँगी सूजी। मैं अपने अंदाज से ही बनाती हूँ, कोई नाप नहीं लेती हूँ। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी, ये मैंने नारियल को घिस के रखा है, सूखा नारियल, अब चाहो तो सौंफ भी डाल सकते हो। नारियल डालने से भी बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी मोयन के लिए घी। ये घी है, मैं इसे डाल देती हूँ। इसमें मोयन थोड़ा अच्छी तरह से देना होगा, तो मैं थोड़ा घी डाल देती हूँ, अच्छा खुशबू आएगा। उसके बाद इसमें मैंने चीनी डाल के रखा है दूध में, तो मैं इसे थोड़ा सा मिला लेती हूँ। ये हल्का सा गुनगुना दूध है, मैं इसे मिक्स कर लूँगी। तब तक ये घुल रहा है, तब तक मैं इसे अच्छी तरह से मोयन लगा देती हूँ। फ्रेंड्स, मैं इसमें बस थोड़ा सा चुटकी भर नमक डालूंगी। इससे थोड़ा सा नमक डालने से बहुत ही अच्छा बैलेंस हो जाता है। एक बार डाल के देखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने बहुत ही अच्छी तरह से इसमें घी को मिक्स कर लिया। इससे अच्छा बनेगा, क्रिस्पी खास्ता बनेगा पूरा। और इसे ऐसे ये देखिए पूरा लड्डू का जैसा बन गया। तो ये रेडी है और इसमें मैं डाल देती हूँ ये दूध। इससे मैं थोड़ा थोड़ा डाल के मैं इसका एक टाइट, इसको घुटना नहीं है, बस इसको मिक्स करना है अच्छी तरह से। और इसमें ये चीनी पूरी तरह से मेल्ट नहीं हुआ है, ये चीनी जब बनेगा तो चीनी आएगा, देखने में अच्छा लगता है दानेदार। मैं ये थोड़ा थोड़ा डाल के उसके बाद मैं इसे टाइट मिक्स कर लेती हूँ। इसे गूंथना नहीं है आटे की तरह, बस इसे मिक्स करना है अच्छी तरह से। तो ये अभी तक मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, ये इसी तरह से इसके दोनों हाथ से ही कर लेती हूँ। एक हाथ से बहुत दिक्कत हो रहा है, ये बहुत टाइट है ना, इस तरह से। गीला नहीं करना है, बस ऐसे ही इसे मिक्स करते रहना है और ये हो जाएगा। तो ये देखिए ये रेडी है, मैं इसे बनाऊंगी ठेकुआ। और इतना बस आधा कप दूध से हो गया, इसको रखते हैं।
तो फ्रेंड्स आप सबने देखा मैंने चम्मच से उसमें डिजाइन बनाया। आप चाहो तो डिजाइन भी बना सकती हो या सांचे पे भी बना सकती हो या सिंपल भी बना सकते हो। तो मैं ज़्यादातर सिंपल ही बना रही हूँ। आप सबको दिखाया मैंने दो चार टुकड़े से बना के। और इसी तरह से मैं सारे अपना ठेकुआ या खस्ता मैं बना लूँगी। ये देखिए सारे बन गए, अभी फ्राई करना बाकी है। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने कढ़ाई में तेल लग दिया गरम करने के लिए। और ये मैंने इतने सारे खस्ता बनाए हैं देखिए, और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। मैंने बहुत दिन से मैं सोच रही थी बनाऊंगी, तो आज बना ही लिया। चलिए दिखाती हूँ, आप फ्राई करती हूँ। तो फ्रेंड्स ये कढ़ाई में तेल बिठाया था मैंने, हो गया गरम। अभी डाल देती हूँ इसे। इसे हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करना है, स्लो फ्लेम पे। ये एक तरफ से पक रहा है, दो तीन मिनट मैंने अच्छी तरह से पकाया। अब मैं इसे उलट दूंगी, सारे खस्ता को मैं उलट दूंगी। और ये शक्कर कैरेमलाइज होता है तो बहुत ही अच्छा कलर आता है और चीनी भी दिखता है। आप सबने बनाया ही होगा, ये हमारे छठ पूजा में भी बनाया जाता है प्रसाद के रूप में खस्ता। तो मैं इसे उलट लेती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से पक गया। मैंने इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से पका लिया। अब मैं इसे निकाल लूँगी एक बर्तन में। अब मैं जो बचा हुआ है ये देखिए इतना से बन गया। अब मैं जो बचा हुआ है वो भी डाल देती हूँ। और मैं सारे ठेकुआ इसी तरह से मैं बना लेती हूँ। देखिए मेरे मम्मी ने बनाया ठेकुआ है, ये मेरा फेवरेट है। गरम नहीं है, मैं भी आती हूँ खाने के लिए। तो हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने आज बनाया खस्ता का रेसिपी। आप सबको कैसा लगा बताइएगा। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। लाइक कीजिएगा।